हेलो बच, वेलकम टू टीक चैनल पर विचार ब्रॉच। लाइफ केयर हॉस्पिटल लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग 21 अगस्त वेडनेसडे को यानी कि कल होने वाली है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा जानने से पहले हम लोग इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे। फाइनेंशियली यहाँ पर देखें, इसकी प्रॉफिट 69.76 लाख है, रेवेन्यू 260.58 लाख है, एसेट 571.62 लाख है, नेटवर्थ 546.92 लाख की है, रिजर्व एंड सरप्लस 100.68 लाख है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 12.75 है, आरओसीई 12.77% है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 12.75% है, पैट मार्जिन 26.77 है, पीई प्री आईपीओ 15.99 है एंड पोस्ट आईपीओ 21.75 है। फाइनेंशियली पिछला इसका रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी यहाँ पर स्थिति ठीक ठाक ही दिख रही है। बात करें बिजनेस की, 2023 की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ब्रॉच लाइफ केयर हॉस्पिटल या बुटिक हॉस्पिटल अपने ब्रांड नेपाल हॉस्पिटल के अंतर्गत चलाते हैं और इसके पास हृदय रोग मरीजों के लिए, जो हृदय रोगी हैं उनके लिए 24 घंटे सर्विस प्रदान करती है। इसके पास कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट भी है, जैसे 2D इकोकार्डियोलॉजी, इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजी, ट्रेडमिल टेस्ट, होल्टर मॉनिटरिंग, एम्बुलेटरी, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, स्ट्रेस टेस्ट एंड डोपामाइन स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी इत्यादि, ये सारे टेस्ट 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। इसके पास 25 अल्ट्रा लग्जरी इन पेशेंट बेड है, तो बिजनेस इसका ठीक ठाक कर रही है, बिजनेस बहुत ही बेहतरीन करी है, हॉस्पिटलिटी बिजनेस करी है। एक कंपनी है जो 4 PSU इंश्योरेंस कंपनी एंड 15 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी एंड 8 थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ एफिलिएटेड है, तो बिजनेस ठीक ठाक ही कर रही है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस कर रही है। फाइनेंशियली इसका भी स्थिति मजबूत दिख रही है। यहाँ पर थोड़ा सा AIPO अभी इस फील्ड में नया नया है, तो इसके पास एक्सपीरियंस कम है, तो लोग ऐसे इसकी बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियली बात करें तो फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन नई बिजनेस है तो यहाँ पर लोग कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन फिर भी AIPO ठीक ठाक ही सब्सक्राइब हो चुका है, 159.11 गुना IPO सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 226.32 गुना, आदर्श में 88.50 गुना की सब्सक्रिप्शन में टोटल 159.11 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। बात करें जीएमपी की, इसकी जीएमपी ओपन नहीं हुआ, फिर भी इसमें एक अच्छा सब्सक्रिप्शन गया क्योंकि बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल स्थिति ठीक है। अगर इसकी जीएमपी के हिसाब से हम लोग लिस्टिंग गेन का अनुमान लगाएं तो कॉस्ट टू कॉस्ट में लिस्टिंग गेन मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें निगेटिव लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा। यहाँ पर 30-40% का, मे बी 50% का यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिल सकती है, 30-40% प्रीमियम के साथ भी आईपीओ लिस्ट हो सकता है क्योंकि बिजनेस अच्छा है और फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक है। भले ही जीएमपी ओपन ना हुआ लेकिन लिस्टिंग अच्छा मिल सकता है, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में भले ही लिस्ट हो बाद में एक अच्छा मुनाफा बना करके दे सकती है, इसलिए यहाँ पर 40-50% का रिटर्न बना करके दे सकता है ये कंपनी। आई थिंक सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।